वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर विद सुरभि। अभी यहाँ आप देख सकते हैं कितना सारा समर वेदर हुआ है, कितना अच्छा वेदर हुआ है। और एक बार फिर हम लोग हैं आज मैकलन स्टेशन पे, एंड द प्लेस विच वी आर गोइंग टुडे इज दिलबीक। दिलबीक एक यहाँ पे बिलबोटे करके एक स्टेशन है, उससे काफ़ी नियर है। यहाँ से हमको हार्डली 20 मिनट्स लगेगा मैकलन स्टेशन से वहाँ पहुँचने में। ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, जो मतलब फ्लेमिश रीजन का सबसे बड़ा म्यूनिसिपल एरिया है, म्यूनिसिपालिटी है। इनके 6 सब छोटे छोटे डिविजन्स हैं, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही वाइब्रेंट लोकेशन है व्यू करने में। इनकी अपनी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिसका मैं डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी, जो आप इजीली पढ़ सकते हैं। बट देन ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, यहाँ के फोटोज़ वगैरह बहुत ब्यूटीफुल आते हैं। तो मैं आपको, और ये बहुत ही छोटा सा कुछ 41 किलोमीटर्स का एरिया है, एंड इसका पॉपुलेशन भी कुछ अराउंड 40,000 ही कुछ है। तो लेट्स सी, वहाँ देखते हैं, चलते हैं, वहाँ कैसा लगता है। एंड आई एम श्योर आज वेदर इतना अच्छा है तो आई विल डेफिनेटली एंजॉय, एंड यू गाइस विल आल्सो एंजॉय दिस वीडियो विद मी टुगेदर। लेट्स सी, कैच अप देयर, बाय बाय। और अब हम ये दिलबीक पहुँच गए हैं। हमने ब्रसेल्स नॉर्थ से ट्रेन चेंज की थी, और हमको हार्डली 15-20 मिनट्स लगा है यहाँ पहुँचने के लिए। अब हम उस ब्यूटीफुल लोकेशन पे जाएंगे, जहाँ का फोटोज यूजुअली दिलबीक के नाम से देखने को मिलता है। इंटीरियर कैसे गाँव में बड़े सुंदर सुंदर, ऐसे कंट्री साइड वाले ऐसे। अब हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन। हमने ये बस ली थी 810, और इससे हम 4 स्टेशन बाद यहाँ लास्ट स्टॉप है ये इसका हाले स्टेशन, यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ से वो हमको कैसल दिखेगा। ये ब्यूटीफुल एरिया इसका यहाँ, सो समरी बहुत ही अच्छा हो गया है। तो अभी आगे हम देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, मैं बताऊंगी आपको। कितना सही लग रहा है ये, इसी के पूरा आसपास बना हुआ है दिलबीक। ऐसी ही एक सर्कुलर वाटर बॉडी है, जिसके आसपास ही मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं देखने की, जैसे कि ये कैसल जो चालू हो गए। ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल कैसल है यहाँ का, इसका भी अपना एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। पूरा आर्किटेक्चर यहाँ का है। मैं आपका फुल व्यू, यस ये देखिए, अभी वहाँ थे, वहाँ से हमने वॉक करके अभी हम यहाँ तक आए हैं। बस अभी हम यहाँ पे कुछ लंच का जगह देख रहे हैं, देन उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। ये कैसल जो हम नीचे से देख रहे थे, वहाँ हम अभी ऊपर आए हैं, और यहाँ से उसका इतना ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, और ये वहाँ सब हम ऐसे लेटे। ब्यूटीफुल सिटी।
सो क्यूट. ये अब हम यहाँ से वॉक करते करते इधर आ गए हैं. पहले हम फाउंटेन के उस साइड थे, अब हम फाउंटेन के इस साइड आ गए. तो ये बस अलग अलग जगह से व्यूज हैं, बट देन बहुत ही अच्छा ऐसा मीन्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है, अच्छा लग रहा है. यहाँ पे ऐसे लोग बाग आए हैं, लेटे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, अच्छा लग रहा है. यहाँ के घर वगैरह कुछ ऐसे ऐसे हैं और लोग बाग यहाँ अपने डॉग को वॉक कराने आए हैं. कुछ लोग बस ऐसे ही घास पे लेटे हुए हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. रिलैक्सिंग डे है, आराम से सनी डे है, मस्त एंजॉय. यो चलो देखो वहां पे क्या है. चलो चलो चलो, ये जेरू, व्हाट इज दिस? जेरू लुक एट मी, व्हाट इज दिस? झूला कहाँ गया आप बताओ? झूला उस साइड है, वो रहा. कम कम कम, 1 2 3 क्लैप क्लैप. हाँ यहाँ से भी वापस जा सकते. वन टू थ्री, ये वो. बस यही थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट जर्नी टू दिल्लीक. इतना ही है मेन. एक और जगह है वहाँ पे, थोड़ा सा प्राइवेट है इसलिए अलाउ नहीं करते हैं जाने के लिए. और अभी हम लोगों के भी यहाँ से निकलने वाले हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट दिल्लीक, छोटी सी ब्यूटीफुल सी सिटी एंड आई रियली लाइक्ड इट. होप यू गाइज ऑल्सो एन्जॉयड इट. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस वीडियो, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. And yes, do remember to like, share and subscribe this video. Bye-bye. Take care.